अम्बाला के मटेडी सेखों इलाके में 8 दिन पहले एक दुकानदार से मारपीट और लूटपाट की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, जिससे नाराज दुकानदारों ने आज अपनी दुकानें बंद कर रोड किनारे बैठ प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने अम्बाला पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैसला लिया कि जब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा और दुकानें जो है वो इसी तरह बंद रहेगी। परिजनों और दुकानदारों का कहना है कि सभी स्थानीय दुकानदार जो है वो डर के साए में अपनी दुकानें चला रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से अब तक लूटपाट की यह छठी वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में केवल और केवल आश्वासन दे रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा नाम काशवी नरूल है। मेरे फादर 2 मई को शॉप क्लोज करके अपने घर आ रहे थे, फिर उनको उनके पास कैश था, लैपटॉप था, तो कुछ चोरों ने उनको पकड़ लिया। उनकी काफी चोट आई और उनकी पूरी बाजू की सर्जरी हुई है। दूसरी बाजू में उनको 20-22 स्टिचेस लगे हैं और हम बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़वाया जाए ताकि मेरे फादर को जस्टिस मिले। वो अब तक अपना बिजनेस उनका बंद पड़ा, अब तक वो अच्छे से चल नहीं पा रहे, खुद उठ नहीं पा रहे हैं और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, चोर पकड़। 2 को हमारे एक दुकानदार साथी नूरला क्लोथ हाउस गविंद जी के साथ एक घटना घटी, जिसमें उनसे 2.5 लाख रुपए की डकैती और उनकी दोनों बाजू में तोड़ के चले गए। उस दिन भी हमने प्रशासन को रिक्वेस्ट की थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद 10 दिन बीत जाने के बाद ना तो किसी को गिरफ्तारी हुई है, ना ही है इस बात का पता चल पाया उनको भी कौन आदमी थे जो ये सब करके गए हैं, ये हरकत करके गए हैं। आज उसी के विरोध में एक बार फिर से सभी दुकानदार भाइयों ने अपनी दुकानें बंद करके ये धरना दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बिल्कुल भी नहीं असंतुष्ट होता तो हमें यहाँ तक बैठने की नौबत देने आते हैं। दुकानदार के पास तो वैसे ही किसी के पास समय नहीं होता कि वो आगे धरना दे, तो एक मजबूरी में बैठना पड़ रहा है आके दुकानदारों को। बिल्कुल जब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो जाता दुकानें बंद रखी जाएंगी, कोई भी दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोले। अब ये कार्रवाई नहीं हुई, आज 7-8 दिन हो गए, ना तो चोर पकड़े गए ही आज तक, इसीलिए ये कार्रवाई हो, यहाँ पे जाम लगा के बैठे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, जो गुनाहगार है उनको पकड़ना चाहिए। क्या घटना हुई थी? घटना इसको मार गए थे जॉनी नरोला, उसके बाजू बूजू जो है सारी काट गई है, उसमें राड़े पड़ी हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं पकड़े नहीं। क्या मांग है आपकी? मांग यही है, इंसाफ चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा दिलाए उनको। पहले ही 5-6 घटनाएं हुई हैं, कोई पकड़ा नहीं गया आज तक। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए थाना नगल प्रभारी ने बताया कि इस मामले को लेकर 3 पुलिस की टीमें अलग अलग लगी हुई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, दुकानदार धरने गए हैं, क्या कुछ मांगे और क्या आश्वासन है? देखो, इनको सभी को समझाया जा रहा है कि पुलिस इस मुकदमा में काफी अच्छे से कार्रवाई कर रही है। हमारे एसपी साहब की तरफ से, श्री अंदाव जी की तरफ से 3 टीमें बनाई हुई हैं और CIA 1 की टीम है, थाना की भी। हमारी ASP मैडम सृष्टि गुप्ता भी इसी में लगे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो सस्पेक्टेड पर्सन हैं उनको उनसे पूछताछ की जा रही है। CCTV कैमरे हैं और जो भी साइबर के हलवे के कार्रवाई की जा रही है और इनको समझाया जा रहा है कि भाई देखो, किसी भी तफ्तीशों के मुकदमे टाइम लगता है तो जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि भाई इनको जल्दी अरेस्ट किया जाए, तो हमने इनको समझाया तो जल्दी ही अरेस्ट करेंगे, कोई पुलिस की तरफ से कोई डिले नहीं है किसी प्रकार की। और बाकी कोई कहे शांतिपूर्वक अपना काम करें, अपनी दुकान वगैरह खोलें और पुलिस का अपना काम कर रही है।